हमने रात को जांग एक छोटा सा विलेज कह लीजिए या टाउन कह लीजिए, वहाँ पे हमने स्टे किया है और यहाँ पे जंग लॉज थी। हमने इसमें रात को स्टे किया और यहाँ से फिर हमने आगे का सफ़र तवांग के लिए शुरू किया। जब हम जांग से चले थे तो ये ब्रिज है, एक छोटी सी नदी है, इस ब्रिज को पार करने के बाद हम पहाड़ी की दूसरी तरफ जाएंगे। फिर वो पहाड़ी आगे एक पहाड़ी का टॉप है, उसे पास करने के बाद में हम तवांग पहुँचेंगे। हमने ब्रिज पार कर लिया, दूसरी ओर निकल गए हैं और पीछे का रास्ता जो था जांग से इस ब्रिज तक का काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब ये जो रोड है ये काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये सारे रोड जो है ना बीआरओ ही मेंटेन करता है और बीआरओ मेंटेन अच्छी तरह से करता है, क्योंकि इसमें ना हमारी सेना का बहुत बड़ा सहयोग होता है और सेना की सारी कार्रवाई इसी से होती है, क्योंकि ये हिस्सा तवांग तक सेना के कब्जे में ही रहता है और हमारी सेना मुस्तैद तैनात रहती है भारतीयों की रक्षा के लिए और अपनी सीमा की रक्षा के लिए, क्योंकि चीन का हमेशा विवाद उत्पन्न रहता है इस इलाके पर और ये भारत का अभिन्न अंग है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हरियाली है, पहाड़ है, अच्छा मौसम है, हालांकि आज बारिश नहीं है, मौसम ठीक ठाक है आज अच्छी तरह। और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास, 40 से 50 किलोमीटर आसपास तवांग है यहाँ से। तो हमें जाने में वैसे तो ऐसा रोड मिला तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वहाँ जाएंगे और तवांग में घूमेंगे। वहाँ पे दो तीन जगह अच्छी है, एक तो जांट स्टैचू, बुद्धा का स्टैचू है वहाँ पे, और एक ऊपर लेक है, लेक सेंगस्टर लेक बोलते हैं उसको। फिलहाल तो हम तवांग तक जाते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि मौसम देखते हैं कि यहाँ पे तो ठीक है और तवांग जो है हाइट पर है, तो वहाँ का मौसम देखते हैं फिर कैसा है, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं और मौसम अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों हमारे साथ सफ़र में बने रहिए और इन्जॉय करिए। यहाँ से दो रास्ते थे, एक राइट और एक लेफ्ट। यहाँ के लोकल आदमी से पूछा कि तवांग का रास्ता, तो उन्होंने लेफ्ट मुड़ने को बोला। और ये देखिए गेट है ये जो तवांग की ओर जा रहा है, और हमने यहाँ से अपना आगे का सफ़र हमने शुरू किया है। अब हम हाइट की ओर चल रहे हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा कस्बा है ये भी, तो हमने यहाँ पे देखा छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन होता है, बच्चे भी देखो पैदल जा रहे हैं और इनको आदत होती है चढ़ाई पर चढ़ने के लिए, ये थकते नहीं हैं। आप देखते हैं क्योंकि रोड पे ही होता है ज़्यादातर आबादी, क्योंकि पहाड़ी एरिया होता है। आप देखते हैं मौसम कितना अच्छा है, और ये देखिए बुद्ध धर्म के जो है प्रतीक बने हुए हैं सभी रोड्स पर। ये छोटे छोटे घर दुकानें रास्ते पर बनी हुई हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ सफ़र में। Thank you.
आरओ के काम को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप देखते हैं कि रोडों का काम चालू है, बन रहे हैं, और आप देखते हैं कि रोड बनाने में देखो लेबर ये पहाड़ी का रास्ता काटकर रास्ता बना जा रहा है, रोड चौड़ा किया जा रहा है, और वर्कर लगे हुए हैं बीआरओ के। इसमें देख सकते हैं मशीनें रोड बनाने के लिए, कि देखो रोड बनेगा तो कुछ ख़राब होगा लेकिन बनने के बाद में सुविधाएँ काफ़ी रहेगी आने जाने के लिए, रोड अच्छा बनेगा। ये पहाड़ी का हिस्सा काटा जा रहा है और यहाँ पे रोड काफ़ी चौड़ी की जा रही है, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ बनाएंगे जरूर यहाँ पे भी। और ये हिस्सा देखिए, आप देख ही रहे हैं मशीनें काम कर रही है, ट्रक जैसी मशीनें, और ये यहाँ पे कुछ हिस्सा ख़राब था लेकिन आगे अब सही रास्ता हो जाएगा, आगे चलने के लिए ठीक है रास्ता अब आगे। और रोड पर देखिए वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये देखिए एक और ब्रिज आ गया है, इसे पार करने के हम बाद हम दूसरी साइड में जाएंगे और फिर ऊपर पहाड़ी की ओर चलेंगे। रोड पर देखिए वहाँ के लोग आदमी घूमते हुए, उनके मवेशी रोड पर ही बंधे हुए हैं क्योंकि ऊपर यहीं पर कोई ना कोई गांव होगा। तो चलते रहिए दोस्तों हमारे साथ। ये छोटा झरना देखिए, तो क्या शानदार नज़ारा है बत्तख। और आगे चलिए, ये आ गया है तवांग गेट, और मौसम देखते हैं कि अब क्योंकि ये हाइट पर है अब लगता है हम बादलों में आ गए हैं। ये तवांग गेट था, हमने इससे आगे निकलने हैं और देखते हैं रास्ते में बिल्डिंग बनी हुई है और ये शुरू हो गए, क्योंकि तवांग गेट से आगे जैसे मैं एंट्री किया देखते हैं कि मौसम बिल्कुल कोहरा जीरो विजिबिलिटी होने को है, और देखते रहिए बिल्कुल मौसम ऐसा कि जैसे कोहरा ही कोहरा है। हालांकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 11 के आसपास बजे हैं। नीचे हम जब मैदानी इलाके में थे, हाइट कम थी तो सूर्य बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था और यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखिए बोर्ड साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ से गुमला तवांग सेंक्चुअर लेक जो है 38 किलोमीटर है, तो हम यहाँ से चलते हैं आगे। अब थोड़े से ही कोहरे में रात है ये, क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ पे टेंगा वैली में पेट्रोल पंप है और अब ये यहाँ पे है, वरना बीच में कहीं पर भी आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो जब भी आए टेंगा वैली में जो लास्ट पेट्रोल पंप है वहाँ से अपना पेट्रोल फुल करा ले गाड़ी में अपनी, नहीं तो फिर रास्ते में अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो दिक्कत काफ़ी होगी। व्हीकल्स काफ़ी आ जा रहे हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वैसे तो। और सड़कें क्योंकि मौसम ख़राब है इसलिए सड़कें भी आपको देखते हैं गिल्ली ही है, और ये दुकानें हैं साइड में। हम जा रहे हैं क्योंकि अब हमारा हम जाएंगे गिजांट बुद्धा स्टैचू पर, तो ये वहाँ पर रोड जा रहा है। आप नीचे पूरा देख सकते हैं तवांग दूर दूर तक, और पहाड़ी पहाड़ियों के ऊपर बादल, और रोड ख़राब है, बन रहे हैं रोड, कंस्ट्रक्शन चालू है रोड का। और आप देख सकते हैं कि दुकानें भी है काफ़ी अच्छी तादाद में, काफ़ी तादाद में व्यक्ति रहते हैं यहाँ पे, नागरिक होते हैं। और ये हाइट पर है क्योंकि यहाँ से आगे सेक्टर लेक है और उसके आगे
राइट साइड में चीन की सीमा है और लेफ्ट साइड में भूटान को ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और आप देखते हैं कि एक गेट और आगे है, ये वेलकम कर रहे हैं बुद्ध स्टैचू की ओर। तो हम जाएंगे अभी नज़दीक की है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है बुद्ध स्टैचू, जिसको जियांट बुद्ध स्टैचू बोलते हैं। और आप देख सकते हैं वो जो वहाँ पे तिरंगा है, सरकारी इमारत है वहाँ पे। और ये देखिए बोर्ड लगे, हम राइट साइड में मुड़ गए हैं और सीधे चल जाते हैं सेक्टर लेक की ओर। हालांकि ये वाला रोड भी सेक्टर लेक की ओर जाता है, लेकिन दूरी का फ़र्क है। लेकिन अब हम क्योंकि पहले जाना है जियांट बुद्ध स्टैचू पर, तो दोस्तों हम पहुँचने ही वाले हैं। और देखते हैं कि क्योंकि अभी हाइट पर ही चल रहे हैं हम, अभी भी और भी है। और यहाँ कुछ मौसम थोड़ा खुला हुआ है, तो हालांकि पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने बुद्धा स्टैचू नज़र आ रहा है, काफ़ी हाइट पर है, काफ़ी ऊंची प्रतिमा है बुद्ध महात्मा बुद्ध की। तो हमें वहाँ पे जाना है और हम वहाँ पे समय बिताएंगे और फिर आगे का प्रोग्राम देखते हैं कि आगे सेक्टर लेक जाए या वापसी जाए। हालांकि मौसम मानसून का है, क्योंकि हम जून में आए हैं यहाँ पर, और ये वीडियो जब मिलेगी तो काफ़ी लेट होगा क्योंकि समय नहीं मिल पाता। तो लेकिन ये जून के टाइम है हमारा, ये लगभग 15-16 तारीख हो गया आज। तो दोस्तों हम आ गए हैं बुद्ध स्टैचू, क्योंकि हम बैक साइड से घूम कर आए हैं और आगे फ्रंट पे भी रास्ता है, क्योंकि हम आगे से घूम गए थे। तो हम यहाँ पे अपने बाइक रोकते हैं और फिर उसके बाद में देख सकते हैं आप बुद्ध स्टैचू कितना ऊंचा बना रखा है। और यहाँ पे बुद्ध धर्म के सारे जो धार्मिक वो अनुष्ठान होते हैं वो किए जाते हैं। और यहाँ पे एडवाइजरी है कि यहाँ पे पशु पक्षी किसी का भी शिकार करना मारना मना है, ये पूरी एडवाइजरी है। यहाँ पे बैन है, यहाँ पे सुअर या किसी भी मतलब किसी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते। अब देख सकते हैं बिल्कुल, और ये प्रतिमानुसार इनको घुमाया जाता है, इनसे बहुत पवित्र माना जाता है इनको। तो आप देख सकते हैं कि बुद्धा स्टैचू के चारों ओर ये बने हुए हैं, इनकी परिक्रमा की जाती है। देखिए यहाँ के लोकल व्यक्ति जो मानते हैं इनको, काफ़ी अच्छी तरह से इनकी आराधना करते हैं, इनके कुन को जैसे भी कहें कि धार्मिक तरीके से इनको मनाते हैं घुमाते हैं। तो दोस्तों ये जियांट बुद्धा स्टैचू है और ये छोटी प्रतिमा एक और बनाई हुई है, ये यहाँ पे कोई महाराजा होंगे उनकी बनाई हुई है। और मौसम आप ऊपर देख सकते हैं कि काफ़ी बादल है, ये नहीं कह सकते कि अब बारिश नहीं होगी, बारिश कुछ पता नहीं है, थोड़ी देर में बारिश भी आ सकती है। तो देखते हैं सामने से व्यू है, कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही विशाल प्रतिमा बनाई हुई है। और बीच में एक बहुत महात्मा बुद्ध का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर बैठ कर अर्चना की जाती है। ये सामने वाला रोड है और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, और ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे फिर यहाँ पे पीछे कैफेटेरिया है, ये फूल देखिए बिल्कुल मेन गेट के सामने है, कितना अच्छा है। ये वो प्रतिमा है जो बनी हुई है, और ये पे बैक साइड में एक कैफेटेरिया बना हुआ है जहाँ पे हम ने चाय पी। ये कैफेटेरिया है एक जहाँ पे जब हमने चाय पी, और बहुत अच्छी एक लकड़ी की टेबल भी है यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए व्यूज, बादल, अभी मौसम और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से, क्योंकि पता चला है कि मौसम ख़राब है, ऊपर जाने के लिए ठीक नहीं है, तो हम यहीं पे विश्राम देते हैं और अगली यात्रा हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब कुछ ही समय बाद देखते हैं, जब भी अगला टूर हमारा जो होगा वो J&K का होगा, या तो लद्दाख या फिर हिमाचल में स्पीति वैली को हम दोबारा कवर करें। मैंने पहले भी गया था, लेकिन इच्छा दोबारा है स्पीति वैली को कवर करने के लिए। अब देखते हैं कि आने वाला हमारा जो ट्रिप होगा वो लद्दाख का होगा
या फिर स्पीति वैली का होगा, क्योंकि पिछली बार हम गए थे वहाँ पे, अब की बार तो हमने नॉर्थ ईस्ट का ये ट्रिप किया है। उससे पहले हमारा जो ट्रिप था वो लद्दाख का था, लेकिन लद्दाख नहीं कर पाए थे हमने, सच पास और स्पीति वैली लाहौल वैली की थी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।